मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा होगा कि जानिए आईएएस के बारे में संपूर्ण जानकारी। आईएएस के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है और जो इसका जो एग्ज़ाम है वो हमारा यूपीएससी करवाता है। यूपीएससी एक आयोग है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसका ऑफिस दिल्ली में है, धौलपुर में। दोस्तों जब यदि हमको कलेक्टर बनना है या फिर जिले का एसपी बनना है, आपने देखा हर एक जिले में एक कलेक्टर होता है। जैसे हमारा भोपाल जिले में है श्री तरुण पत्थर पिथौड़े जी, और इसी के जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है इससे सेकेंड रैंक की पोस्ट होती है आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पब्लिक सर्विस। दोस्तों जो जिले में हमारे एसपी होते हैं तो वो आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। इसका भी दोस्तों पैटर्न जो है एमपीपीएससी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। इसमें अभी हम देखते हैं दो पेपर हमारे होते हैं, प्री के और मेंस के 6, और फिर इंटरव्यू इसमें भी होता है। इसमें भी दोस्तों दो पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी का और सेकेंड हमारा होता है जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल स्टडी में दोस्तों हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर, साइंस टेक, एनवायरमेंट, इनसे संबंधित सारे जीएसटी क्वेश्चन आते हैं। और सेकेंड जो हमारा होता है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें रीजनिंग, मैथ्स और एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और निर्णय लेने संबंधी हमारी जो कैपेसिटी रहती है उससे संबंधित हमारी इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें भी दोस्तों पहले तो क्या था कि दोनों में मिलाकर के कट ऑफ बनता था, लेकिन अब इसमें भी हो गया सेकंड पेपर हमारा क्वालिफाइंग रहता है और फर्स्ट पेपर में हमको मार्क्स जो रहते हैं गेन करने पड़ते हैं जिससे हमारा कट ऑफ बनता है। दोस्तों यूपीएससी का जो रहता है पैटर्न थोड़ा सा एमपीपीएससी से हल्का सा हट के रहता है। जब हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो फोकस हमारा एमपी पे रहता है, लेकिन जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा हमको इसमें डिटेल में जाना पड़ता है। हमको जैसे हम एमपी के सारे ज़िले हम पढ़ लिए 52 ज़िले, बट जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें हमको इंडिया के पूरे 29 स्टेट्स को हमको कवर करना पड़ता है, 28 राज्य, 28 स्टेट पूरे अपन को कवर करना पड़ता है, यूनियन टेरिटरी को कवर करना पड़ता है, फिर हम पूरा अध्ययन कर पाते हैं। इसमें दोस्तों यदि हमारा भी सिलेक्शन हो जाता है तो हम सीधे कलेक्टर या आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों ये। यदि आप एक बार कलेक्टर बन गए तो आपको पूरी लाइफ आपकी आराम से गुजरती। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आप कलेक्टर बन जाते हैं और 60 ईयर के बाद रिटायरमेंट आपका होता है तो उसके बाद आप किसी ना किसी आयोग के अध्यक्ष तो बना ही दिए जाते हैं। जब आप जनरल स्टडी में पढ़ते हैं कि हमारे गृह मंत्री सपोज श्री अमित शाह जी एक गृह सचिव भी होता है, तो फ्रेंड्स जो गृह सचिव को पोस्ट आती है ना होम सेक्रेटरी की, तो जो कलेक्टर जो रहता है तो कलेक्टर ही वहां से जाता है। और भी हम देखते हैं आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी जो उच्च पदाधिकारी जो होते हैं
वो भी IAS ही लिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आयोग होते हैं, जैसे कि मानवाधिकार आयोग हो गया, सतर्कता आयोग हो गया, इनमें भी जो अध्यक्ष जो बनते हैं वो भी IAS ही बनते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करनी है अपने को, यदि एक बार अपन के पोस्ट मिल गई तो अपनी पूरी लाइफ मतलब 60 के बाद भी अपन वर्किंग में रहते हैं। 60 ईयर हो जाएगा, सब रिटायरमेंट लेके घर में बैठते हैं, लेकिन अपन कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट में पदस्थ रहेंगे। फिर दोस्तों, लाल बत्ती की गाड़ी, इसका जलवा तो अलग ही रहता है, इसमें अपन हर किसी का सपना रहता है। और दोस्तों, जो IAS जो होता है, कलेक्टर जो बन जाता है, तो उसके पास सारे जिले से संबंधित सारी अथॉरिटी रहती है। आपको यदि आबकारी विभाग से संबंधित कोई काम है, किसी चीज़ का लाइसेंस आपको बनवाना है, अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना का जो संक्रमण फैला हुआ है, तो जैसे आपको यदि आपका कोई फ्रेंड्स जो है कहीं दूसरे स्टेट में रह रहा है या फिर दूसरे ज़िले में रह रहा है, तो वहाँ से अपन उसको बुलवाना चाह रहे हैं, तो अपन को अथॉरिटी किससे लेना है? कलेक्टर साहब से या ज़िले के IDM से। तो इतने में आपको समझ में आना चाहिए कि ये पोस्ट बहुत अच्छी है और बहुत भी बढ़िया है। एक बार यदि आपकी कलेक्टर में हो गया तो आपके परिवार, आपका खानदान, आपका समाज, इनफैक्ट आपका जहाँ जिस एरिया से हैं वो पूरी तरीके से सुधर जाएगा और सब आपकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, कोई यदि 22 साल का व्यक्ति है, कलेक्टर है, आप देखते होंगे अपने घर आता है, तो हमारे मम्मी पापा जो कि करीब 50-60 ईयर हैं, फिर भी उनको सर सर बोलते हैं, मतलब कितना अपन को थोड़ा सा लगता है कि काश यदि हम होते यहाँ पर, तो फीलिंग ही थोड़ा सा ब्रॉड हो जाती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और फिर कलेक्टर का पद ऐसा पद है कि इसमें अपन को जन सेवा करने का बहुत मौका मिलता है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये जो पोस्ट है दोस्तों, जैसे ही एक व्यक्ति कलेक्टर बनता है, सबसे फर्स्ट उसका इनविटेशन प्रेसिडेंट हाउस में होता है। प्रेसिडेंट में सबसे पहला भोज, सबसे पहला जब अपन खाना खाते हैं, सबसे पहले जाकर के राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस दिल्ली में, अपन को खाने के लिए बुलाया जाता है। खाना वहाँ सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबसे हमारी मुलाकात कराई जाती है। मतलब आप सोच के देखिए कितना अच्छा लगता होगा उस दिन। तो बस नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। निराश नहीं होना, अपन को तैयारी स्टार्ट करना है। और इस तैयारी की मुहिम में मैं आपका सदैव तत्पर हूँ, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कमेंट सेशन में कमेंट करिए कि सर ये मेरे को प्रॉब्लम है, सारी कमेंट्स का आपको रिप्लाई दिया जाएगा और तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगी IAS की संपूर्ण जानकारी? कृपया यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ना लगी हो तो डिसलाइक भी करें, कोई लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही संबंधित चीज़ें की जानकारी कंटिन्यू चाहिए होती हैं, तो नीचे आप जाएंगे और सब्सक्राइब का बटन होगा, वो उस पर क्लिक कर देंगे, बाजू में घंटी बनी होगी, उसमें क्लिक कर देना है आप, तो क्या हो जाएगा, आपका बेल आइकन चालू हो जाएगा, तो आप जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके वो नोटिफिकेशन चला जाएगा कि सर ने एक वीडियो अपलोड करी है, तो आप जा करके मेरी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर करो, ताकि लोगों के मन में एक आग जले और जिससे वो पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए आतुर हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।